अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो मौसम आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है। अभी अभी बारिश हो के हटी है, तो बारिश से पहले गालिबन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो लेकिन जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई, इस वजह से रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। अभी दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग जो है वो पहले व्लॉग की बारिश में काफ़ी अलग होगा। अच्छा, आज व्लॉग के अंदर मैं एक स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ। कैसे हैं तो मैं स्टोरी यानी शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये बात है लास्ट ईयर दिसंबर की। तो मेरे एक दो कज़न की शादी थी जुमरा में, असाबाद जुमरा ना। तो हम सब ने प्लान किया कि ना यहाँ से ना आलमोस्ट ना एक वीक पहले जाएंगे, ताकि जो काम वगैरह है ना वहाँ पे वो भी सारे देख लेंगे, यानी कोई हेल्प वगैरह हो जाएगी उनकी। तो हमारा प्लान खैर अब यूँ बना के यहाँ से है ना पहले शेखपुरा जाएंगे। शेखपुरा में भी कज़न रहते हैं हमारे, तो वहाँ पे ना वहाँ स्टे करके फिर जो है डायरेक्ट जो है ना शादी वाले घर चले जाएंगे। तो अब सीन कुछ ऐसे थे, तो ना यहाँ से शेखपुरा के लिए कोई फैशन मूवीज़ वगैरह या कोई बिजनेस क्लास हो जाती नहीं है। यहाँ से लोकल बसेस जाती हैं, जैसे मंथार वगैरह हो गई, या कोई चीज़ कह लें आप नियाजी एक्सप्रेस की बसें जो रात के टाइम जाती हैं। तो हमने फिर यहाँ से हमने कहा जी ना फैशन मूवर्स पर जाते हैं, फैशन मूवर पर हम यहाँ से हमने करवा लेंगे लाहौर की टिकट्स फैशन मूवर की। तो हम यहाँ से गालिबन बस आई थी 11 बजे का टाइम था, बस आई थी 12:15 बजे। तो यहाँ से हम लोग चले गए, तो हमें उसने तकरीबन 6:30, 6:15 बजे ना लाहौर पहुँचा दिया था। तो खैर वहाँ पे मैंने उन्हें ना कज़न वालों को बताया नहीं था कि ना मैं भी आ रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आ रहे हो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रहा, तो ना आप लोग ना करना हो, मुझे कोई काम है पीछे, तो मैं ना डायरेक्ट शादी पे आऊँगा, तो ये घर वाले जो है ना ये पहले आ रहे हैं। तो वहाँ पे जब पहुँचे हैं हम, तो वो रिसीव करने नहीं आए हुए थे। तो वो जब आए हैं तो थोड़ी देर लग गई, 10-15 मिनट लग गए थे उन्हें जब वो आए हैं। तो वो आए हैं, उन्हें मेरा बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ, यानी उन्होंने ये अज्यूम किया हुआ था कि मैं नहीं आ रहा। अच्छा, तो अब हम यहाँ से 4 लोग थे मुझे मिला के, यानी मैं, मेरी मम्मा और 2 मेरी सिस्टर्स, तो 4 लोग हो गए। तो हम यहाँ पे थे, तो वहाँ से जो वो कज़न लेने आया हुआ था वो साथ अपनी सिस्टर को भी ले आया, छोटी सिस्टर को। तो वो गाड़ी पे आए हुए थे, तो वो लोग हो गए एक ड्राइवर, एक साथ अली जो कज़न था मेरा, और एक साथ उसकी सिस्टर, 3 लोग वो हो गए और 4 लोग हम लोग हो गए साथ। तो पहले जब वो वहाँ पे पहुँचा ना, उसने मुझे देखा है शाबाश, तो मुझे देख के क्या था यार, बताता तो सही, तूने बताया ही नहीं ये वो। अच्छा फिर चलो वो तो हो गया, मिले वगैरह। फिर अब नेक्स्ट जो मसला था वो था कि अपना जाना कैसे है। अब एक क्रोला गाड़ी में आए थे वो, साथ उनका ड्राइवर था टोयोटा में। तो अब वहाँ पे अब 7 बंदे साथ, सामान वगैरह भी, सामान वगैरह तो खैर पीछे डिग्गी में आ गया। तो हम फिर वैसे फंस फुस के बैठे हैं, तो सारे रस्ते वो कहते गए कि ना सरप्राइज़ का मज़ा ले लो। अच्छा यहाँ से फिर हम ना गए हैं आगे उनके घर, गए हैं शेखपुरा। वहाँ पे जाके ना मैं मिला हूँ सारों से, टाइम भी वगैरह थे, मेरी टाइम ही लगी वो। तो वहाँ जाके ना, तो उन्होंने जो चाय पानी का इंतज़ाम किया था ना, वो भी 3 लोगों का किया हुआ था। तो ऐसे करके हम जो है ना फैसलाबाद शादी वाले घर पहुँच गए। वहाँ पे ना टाइम का पता नहीं लगता था, काफ़ी ना जल्दी टाइम स्पेंड हो जाता था। सुबह उठते उठते ही 10-11 तो है ना ऐसे आराम से पड़ जाने। तो वहाँ पे 3 दिन रहे हम गालिबन ना। तो 3 दिन के बाद हमने कहा कि ना हम चलते हैं। तो उन्होंने तो बहुत रोका कि यार ना जाओ आप लोग शादी पे, शादी वाले दिन इतने पहले जा रहे हो तो ये वो। तो मैं उसके लिए एक बार फिर आप लोगों को सॉरी करता हूँ कि आप लोगों के पास नहीं रहे हम, काफ़ी दिन रहना चाहिए था पर नहीं रहे। तो खैर अब हमारा डिसाइड हुआ कि हमने ना जाना है। तो वहाँ से मेन प्रॉब्लम थी कि यहाँ से जाना किस पे,
तो हम ना फिर दिसंबर की रात थी, रात ना तकरीबन 11 बजे मैं और मेरा कज़न अली निकले हैं। हम यहाँ से गए हैं बाइक पे सर्दी के अंदर। हम बस ढूंढ रहे हैं 10-11 बजे कि सुबह मिल जाए या उससे नेक्स्ट मॉर्निंग वाली बस मिल जाए जिसमें ना हम जा सकें। तो हमें वहाँ पे कोई भी नहीं मिली बस। तो हम वापस आ गए हैं। फिर वापस आके कहा कि भाई कोई फैसल मोड़ वगैरह या कोई अच्छी सर्विस तो जाती ही नहीं है, सारी जाती है यमन थार वगैरह। तो फिर जी फिर हमारा डिसाइड हुआ हम ना ट्रेन का सफ़र करते हैं। तो ट्रेन का सफ़र करते हैं तो ना हमें ट्रेन मिली थी बदर एक्सप्रेस, यहाँ से जाती थी फैसलाबाद वो ना। तो हमने वहाँ पे जो है ना उसे उसका देखा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की कोशिश की थी लेकिन ऑनलाइन टिकटिंग ना उसकी नहीं हुई। तो इसके लिए फिर हम सुबह फिर तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, हम सुबह 9:30 बजे के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकले हैं। वहाँ चले गए हैं, वहाँ पहले ट्रेन को पहले ऑनलाइन ट्रैक करते रहे, ऑनलाइन ट्रैक वो नहीं हुई लेकिन फिर जो है ना वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ से टिकट्स वगैरह ली हैं। उसके बाद हम ट्रेन पे चढ़ गए हैं। तो जैसे ही ट्रेन पे ऊपर चढ़े हैं तो लिटरली वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। सारी पैसेंजर्स से भरा हुआ था वो अपार्टमेंट जिसके अंदर हम गए थे, जहाँ पे हमारी टिकट्स थी। सीट नंबर तो नहीं हुई थी, सिर्फ टिकट्स ही हुई थी। तो हम वहाँ पे बैठ गए, बैठ तो नहीं सके वो, हम खड़े ही रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो के अंदर मैंने एक पार्ट कवर की है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है ना इसके वो मुझे शादी की याद कर, अभी भी याद है, बहुत ही यादगार मेरी शादी रही है, बहुत ही एडवेंचर की है मैंने उसमें। तो वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल मैं अपलोड करूँगा। तो बाकी आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।